गाइज वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए आज हम बनाएंगे वेज रोल स्ट्रीट स्टाइल घर में। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर लिया है 2 कप मैदा और मैदे में हम डालेंगे थोड़ा सा नमक और नमक डाल के इसका एक डो रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने नमक को अच्छे से मिक्स कर लिया है मैदे में और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक सॉफ्ट डो रेडी कर लेंगे। आप यहाँ पर चाहे तो मैदे के साथ थोड़ा सा आटा ही मिला सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसका फटाफट से एक डो रेडी कर लेंगे। तो हमारा डो अच्छे से रेडी हो गया है। अब यहाँ पर इसमें थोड़ा सा ऑयल लगा के इसको ढक के 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। अब यहाँ पर मैंने लिए 4 बॉइल्ड आलू, इसको मैंने अच्छे से मैश कर लिया है। तो फटाफट से हम इसकी स्टफिंग बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने डाला थोड़ा सा 1 चम्मच ऑयल। ऑयल में हम डालेंगे थोड़ी सी बारीक कटी हुई प्याज और इसको हल्का सा पका लेंगे। इसमें डालेंगे हम ग्रीन चिली और यहाँ पर हम डालेंगे थोड़ी सी शिमला मिर्च और डालेंगे यहाँ पर थोड़ी सी बारीक कटी हुई गाजर। और गाजर डालने के बाद हम इसको हल्का सा पका लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी पत्ता गोभी और पत्ता गोभी डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर हम डालेंगे कुछ मसाले। तो मैंने डाला यहाँ पर हल्दी पाउडर, थोड़ा सा नमक और डालेंगे थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, आमचूर पाउडर और लास्ट में डालेंगे हम इसको जीरा पाउडर। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आपको जो भी वेजेस पसंद हो आप इसमें डाल सकते हैं। अब यहाँ पर हम डालेंगे बॉइल किए हुए आलू। तो मैंने फटाफट से इसमें आलू डाल दिया। आलू डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स करके इसको 1 से 2 मिनट तक अच्छे से पका लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच गरम मसाला। गरम मसाला डालने के बाद हम इसको मिक्स कर लेंगे और स्टफिंग बनके हमारी रेडी हो गई है। लास्ट में हम डाल देंगे इसे बारीक कटी हुई हरा धनिया और हरा धनिया डालने के बाद हमारी स्टफिंग बन के रेडी हो गई है। तो चलिए अब फटाफट से हम डो को देख लेते हैं। डो भी हमारा बहुत ही अच्छे से सेट हो गया है। तो हम एक बार इसको और एक बार गूंद लेते हैं। अगर आपका कहीं बाहर जाने का मन नहीं है और आपको घर में ही कुछ अच्छा सा हेल्दी सा खाने का मन कर रहा है तो आप इसको बना सकते हैं। वेज रोल बहुत ज़्यादा हेल्दी है और टेस्टी भी है। तो आप यहाँ पर इसको घर में बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा आसान रेसिपी है। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो यहाँ पर फटाफट से मैंने इसको रोल करके पीसेस में कट कर लिया। यहाँ पर हमारे 4 से 5 वेज रोल बन के रेडी हो जाएंगे। तो यहाँ पर रोल के लिए रोटी बना लेते हैं। गाइज मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरी वीडियो को फुल वॉच करें। तो यहाँ पर हमारी रोटी बनके रेडी हो गई है। यहाँ पर मैं तवे को अच्छे से गर्म कर लिया है। गर्म करने के बाद हम इसमें डाल देंगे रोटी और रोटी को दोनों साइड से अच्छे से सेक लेंगे। थोड़ा सा ऑयल लगाने के बाद हम इसको दोनों साइड से अच्छे से सेक लेंगे। तो यहाँ पर मैंने ऑयल लगा के इसको दोनों साइड से सेक लिया है। तो रोटी बनके हमारी रेडी हो गई है। अब यहाँ पर लेंगे हम थोड़ी सी तंदूरी मेयोनीज, थोड़ी सी वाइट वाली मेयोनीज, दोनों को मिक्स करके अच्छे से हम रोटी पे लगा लेंगे। और जो हमने स्टफिंग बनाई थी तो स्टफिंग को रोटी पे लगा देंगे। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी स्लाइस कट की हुई प्याज और इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी स्लाइस कट की हुई पत्ता गोभी। और पत्ता गोभी डालने के बाद हम इसमें डालेंगे चाट मसाला और थोड़ा सा नींबू का रस और इसमें डालेंगे हम सॉसेस। तो मैंने डाला यहाँ पर चिली सॉस, थोड़ा सा डाला है टमाटो सॉस और इसको हम रोल कर देंगे। रोल हमारा बन के रेडी हो गया। तो फटाफट से हम इसको रोल करके रैप कर देंगे। रेडी है हमारा होममेड वेज रोल।